एवरीवन, सो आज की वीडियो में गाइस मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ सदर बाजार की संडे पटरी मार्केट कलेक्शन। एंड इस वाली वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन देखने को मिलेगी। एंड सदर बाजार संडे पटरी मार्केट में आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते सामान देखने को मिल जाएंगे। आपको 10-5 रुपये में भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी देखने को मिल जाती है। तो इस वाली वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ब्राइडल ज्वेलरी की कलेक्शन मैं दिखाने वाली, चूड़े की कलेक्शन, बैंगल की कलेक्शन, एंड जैसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड स्कूल वगैरह रीओपन हो गए तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे लंच बॉक्स वगैरह मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे बॉटल वगैरह काफ़ी अच्छी आई हुई है। एंड इस वाली वीडियो में मैंने क्रोकरी जो मार्केट है सदर बाजार की वो भी एक्सप्लोर करी है। तो इस वाली वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जो भी जैसे कि आप स्वीपर वगैरह लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी, जैसे मिनीसो वगैरह पर मिलती है वैसे सामान वगैरह मैं दिखाने वाली हूँ कि सदर बाजार में आपको कहाँ मिल जाएगा। एंड मैं आपको पूरा लोकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगी। तो इस वाली वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन देखने को मिलेंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आई शेडो वगैरह, ब्रशेस वगैरह आपको मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आई शेडो यहाँ पे किस टाइप की मिलेगी। तो इस टाइप की आई शेडो वगैरह आपको मिल जाती है। एंड इस वाली पैलेट में आप देख ही सकते थे कितने सुंदर सुंदर कलर थे। तो इसका जो प्राइस था ओनली जस्ट 70 रुपीज़। एंड यहाँ पर आपको ग्लिटर वाले आई शेडो चाहिए लाइक इस टाइप के, काफ़ी सुंदर सुंदर आई शेडो आपको मिल जाएंगे 70 रुपये में, 100 रुपये में और 150 रुपये में। आपको काफ़ी अच्छे अच्छे आई शेडो पैलेट मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाले आई शेडो पैलेट आप देख रहे हो ओनली जस्ट 120 रुपीज़ की थी। एंड आई शेडो ही नहीं बल्कि यहाँ पे आपको पूरा कम्प्लीटली जितने भी मेकअप की सामान होते हैं सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको हाईलाइटर वगैरह चाहिए, सीरम वगैरह चाहिए, हर कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पर आपको मिलता है। एंड मैंने जो अभी आपको प्राइस बताया वो सिंगल का बताया है। हाँ जी, आप सदर बाजार में अगर सिंगल चीज भी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। ओनली संडे वाले दिन जो है आपको सिंगल सामान भी मिल जाएगा काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस यहाँ की ज्वेलरी वगैरह की कलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयरिंग की कलेक्शन। एंड शादियों की सीजन अभी स्टार्ट हो गई है तो गाइस एथनिक ड्रेसेस पे तो इस टाइप के झुमके तो लाजवाब ही लगते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसका प्राइस क्या था गाइस। ये ओनली जस्ट 80 रुपीज़ की एयरिंग्स थी। इसमें जितने भी आप एयरिंग्स देख रहे हो ओनली 80 रुपीज़ में दे रहे थे वन पीस। एंड दर्जन की आप हिसाब से लोगे या शॉप वगैरह के लोगे तो वो अलग प्राइस हो जाएगा, बट आप सिंगल लेते हो रिटेल में तो आपको 80 रुपीज़ में मिलेगा। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। एंड कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे झुमके, कितने ज़्यादा प्यारे झुमके हैं। एंड यही झुमके अगर आप इंस्टा स्टोर वगैरह से लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ही महंगे मिलेंगे। झुमके के अलावा अगर आपको इस टाइप की रिंग्स वगैरह चाहिए तो आपको रिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पे मिल जाएगी। जैसे कि इस टाइप में एडी वाले नग में अगर आपको चाहिए तो ओनली जस्ट 30 एंड 50 रुपीज़ में ये वाले रिंग्स मिल रहे थे। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड यही आप शॉप वगैरह से, कोई शॉप से लेने जाओ तो आपको 500-600 रुपये में मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको बस 100-150 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। एंड ज्वेलरी की हम बात करते हो सदर बाजार मार्केट में तो आपको जिस टाइप की ज्वेलरी लेनी है, जैसे लेनी है उस टाइप की ज्वेलरी मिल जाएगी। लाइक यहाँ पे आपको जैसे कि कोई बॉलीवुड स्टार के इंस्पायर ज्वेलरी वगैरह लेनी है तो उस टाइप से भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको कुछ ट्रेंडी ज्वेलरी वगैरह चाहिए, रानी हार वगैरह कुछ भी आपको चाहिए तो सदर बाजार मार्केट में, पूरी दिल्ली में यहाँ पर एक्सपोर्ट होते, दिल्ली क्या ऑल ओवर इंडिया में यहीं से एक्सपोर्ट होता है जितने भी ज्वेलरी वगैरह है, तो यहाँ पर आपको सारी ज्वेलरी मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर। सो ज्वेलरी वगैरह लेनी है तो सदर बाजार मार्केट काफ़ी सही मार्केट है। यहाँ पे आपको ब्राइडल ज्वेलरी 500 रुपए के रेंज में भी मिल जाती है गाइस। एंड अगर आप रेंट पे लेते हो ज्वेलरी वगैरह तो वो आपको, अगर आप अपने एरिया से रेंट वगैरह पे भी लेते हो तो वो आपको 500-600 रुपए से कहीं कम नहीं देते। एंड यहाँ पे आप पर्सनल अपना ज्वेलरी ले सकते हो 500 रुपीज के रेंज में। एंड अब मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप सिल्वर ज्वेलरी वगैरह वेयर करना अच्छा लगता है तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे किस टाइप से आपको सिल्वर ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगी। एंड ये वाले नेक पीस काफी प्यारे लग रहे थे, ओनली जस्ट 100 रुपीज़ के सेट थे गाइस, 100 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रही थी। एंड ये जो कलेक्शन थी कहाँ पे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ,
आप रुई मंडी वाली लाइन से आते हो तो ये सारा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी वाली लाइन में आपको ये सारी कलेक्शन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सुंदर इस टाइप की सिल्वर ज्वेलरी के ऑप्शन मिल जाते हैं 100-100 रुपये में। एंड यहीं पे एक शॉप थी जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर से इस टाइप के मंगलसूत्र यहाँ पे मिल रहे थे। एंड इसका जो प्राइस था वो था गाइस यहाँ पे 50-50 रुपीज़ में भी मंगलसूत्र मिल रहे थे, 50, 150 एंड 200 रुपीज़ के रेंज तक की यहाँ पे मंगलसूत्र थी। एंड ये काफ़ी ट्रेंडी मंगलसूत्र यहाँ पे मिल रहे थे। एंड यहाँ पे आपको दर्जन के हिसाब से भी मिल जाते हैं, लाइक 2-2 रुपये में, 3-3 रुपये में दर्जन के हिसाब से आपको मंगलसूत्र वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। एंड सदर बाजार में तो आपको भीड़ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, तो इसके मैं डिनाई नहीं कर सकती कि यहाँ पे भीड़ नहीं होती गाइस। सदर बाजार मार्केट में बहुत ज़्यादा ही रश होती है, एंड स्पेशली संडे वाले दिन अगर आप चाहते तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। तो इसका मैं सोल्यूशन आपको बता देती हूँ, अगर आप सदर बाजार जा भी रहे हो ना तो आप मॉर्निंग के टाइम में निकलो, ऐसा करो कि आप 6 बजे तक या 6:30-7 बजे तक मार्केट के अंदर पहुंच जाओ, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा एंड भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। एंड गर्मियों की सीज़न है अभी, तो आप वाटर बॉटल अपने साथ जरूर रखना, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको चलना पड़ता है मार्केट में, बहुत चलना पड़ेगा। एंड आप डिहाइड्रेट मत होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने साथ वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना अगर आप सदर बाजार जा रहे हो। सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस, यहाँ पे आपको पटरी मार्केट पे संडे वाले दिन सूट वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। हाँ जी, सूट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे ओनली जस्ट 350 रुपीज़ के रेंज में। एंड यहाँ पे इतने सुंदर सूट थे, मैं आपको क्या बताऊँ, 350 रुपीज़ के रेंज में आपको इस टाइप के सूट मिल जाते हैं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे हैं। एंड इसमें आपको कॉटन वाले चाहिए, अगर आपको फैंसी कुछ इस टाइप से हैवी सूट वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कॉटन के बिल्कुल लाइट कपड़े में पसंद है तो वो भी आपको मिल जाती है जी, ओनली जस्ट 350 रुपीज़ के रेंज में। एंड इसमें आपको दुपट्टे वगैरह भी मिल जाएंगे। एंड इस टाइप के हेयर क्लिप्स वगैरह आपको 10-10, 5-5 रुपीज़ का पूरा जो स्ट्रिप है वो आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे इस टाइप से लिपस्टिक मिल रही थी, मैट वाली लिपस्टिक गाइस, ओनली जस्ट 120 रुपीज़ में। ये पूरा लिपस्टिक आप देख रहे हो, वो पूरा लिपस्टिक आपको 120 रुपीज़ में मिलेगा। एंड ये बिंदी यहाँ पे मिल रही थी 30 रुपये दर्जन, यानी कि 1 रुपये में एक पत्ता आपको मिलेगा गाइस। एंड आप इसे ही किसी अपने लोकल एरिया की शॉप वगैरह से लेने जाते हो तो आपको 10 रुपये से कम तो कहीं नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे 1-1 रुपये में मिलता है, तो आप देख ही सकते हो सदर बाजार मार्केट कितनी ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट है, यहाँ पे आपको बहुत सस्ते सामान देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले बैंगल्स जी, तो ये वाले बैंगल्स की जो प्राइस थी ओनली जस्ट 100 रुपीज़। एंड ये आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड इस टाइप के अगर आपको बैंगल्स वगैरह लेनी है तो ले सकते हो, काफ़ी सुंदर लग रहे थे ये। एंड इसमें आपको साइजेस वगैरह कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। सो इस टाइप के पर्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ये ब्राइडल बैग वगैरह थी, ओनली जस्ट आपको 200-200 रुपीज़ के सेल में देखने को मिलेगी। एंड इसमें आपको कलर भी मिल जाएंगे, जैसे कि ये मरून कलर ब्राइड वगैरह पे बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको ये चाहिए बजट में तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पर इस टाइप से ब्राइडल पर्सेस के ऑप्शन मिल जाएंगे ओनली जस्ट 200 रुपीज़ के रेंज में। सो अब मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस कुछ होम एसेंशियल चीज़, जैसे कि ये हैंगर वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो लोहे की थी, यानी सॉरी स्टील की, इसका जो प्राइस था वो 200 रुपीज़ में 12 पीस देंगे। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप की क्रॉकरी वगैरह मार्केट में अब मैं आपको लेके जाती हूँ। एंड क्रॉकरी मार्केट में आप जैसे एंटर करोगे ना तो आपको स्टेशनरी वगैरह के भी सामान देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये पेंसिल के बॉक्सेस वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। सो अगर आपको लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। आपको पेन वगैरह मिल जाएंगे, 20 रुपीज़ के पैकेट आपको पेन मिल जाते हैं, पेंसिल वगैरह आपको मिल जाएगी। एंड इस टाइप से अगर आपको टेबल वगैरह पे बिछाने के लिए टेबल क्लॉथ वगैरह चाहिए इस टाइप से प्लास्टिक वाली कुछ इस टाइप में ये, तो वो आपको मिल जाएगी 100-100 रुपीज़ में, 100-150-200 रुपीज़ के रेंज में इन वाले अंकल के पास अवेलेबल था। तो जैसे कि ये आप देख सकते हो जो मेरे हाथ में भी मैंने लिया है वो 100 रुपीज़ का था, एंड इसका जो प्राइस था वो भी 100 रुपीज़ था। एंड ये ट्रांसपेरेंट कलर का था, उसका भी प्राइस 100 रुपीज़ था। एंड यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल थे, सो अगर आपको लेना
लेना है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको इस टाइप के इन्वेलप मिल जाएंगे जैसे कि सगन वगैरह देने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने देखे काफ़ी अच्छे अच्छे सिपर गाइज, एंड समर का सीज़न है तो आप सबके पास गाइज एक सिपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर की बॉटल होती है ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं उसमें पानी नहीं पीते जैसे कि मैं खुद करती हूँ। एंड ऐसा कुछ यू नो यूनिक हो तो पानी पीने का मन भी करता है। सो अगर आपको इस टाइप से सिपर वगैरह लेना है तो आप ले सकते हो, आप मिनिस्टर वगैरह पे जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। बट हाँ, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ओनली जस्ट 170-150 रुपीज़ के रेंज में सिपर वगैरह मिल जाती है। एंड इस टाइप से अगर आपको हैंगर वगैरह चाहिए तो हैंगर भी मिल जाएगी गाइज। एंड इस टाइप से कुछ होम एसेंशियल चीज़ें वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है। एंड इस टाइप से आपको रस्सी वगैरह कपड़े सुखाने के लिए चाहिए, नाइफ वगैरह मिल जाएंगे, मतलब हाउस होल्डिंग के सामान भी आपको काफ़ी यूनिक एंड अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। सो आप देख सकते हो काफ़ी सही थे। यहाँ पे आपको चॉपर वगैरह भी मिल जाएंगे, कटर वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पे जितने भी हाउस होल्डिंग सामान होते हैं सब कुछ आपको मिलते हैं। एंड ये आप देख सकते हो क्रोकरी मार्केट आपको इस टाइप से मिलेगी, आप जैसे सदर बाजार मार्केट में एंटर करोगे। एंड अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्रोकरी मार्केट कहाँ है, आप किसी से भी पूछना कि क्रोकरी मार्केट कहाँ पर, वो आपको बता देंगे। सदर बाजार मेन मार्केट में आप जैसे एंटर करोगे ना तो वहीं पर एक लाइन सी जाती है, वहीं पर एक क्रोकरी मार्केट है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। एंड देन मैंने यहाँ पर देखिए ये वाले आइसक्रीम जमाने के लिए इस टाइप से अगर आपको कुछ यू नो चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। इसका जो प्राइस था 100 रुपीस में, आप जितने भी देख रहे हो जैसे डिजाइन में आपको लेना है कुल्फी बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए, तो आपको ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको इस टाइप से हुक वगैरह चाहिए जैसे कि कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, अगर आपको इस टाइप से कुछ लेना है तो वो भी आपको मिल जाती है। एंड आपको शीट वगैरह, हाँ अगर आप ड्रॉइंग वगैरह के इंटरेस्टेड हो, ड्रॉइंग वगैरह बनाना आपको अच्छा लगता है तो आपको A4 शीट वगैरह चाहिए या फाइल वर्क के लिए कुछ सीट वगैरह चाहिए, आप क्रिएटिव हो कुछ ऐसा बनाना आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से ये सामान वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पे ले सकते हो। कलर वगैरह बाय कर सकते हो यहाँ से, आप फाइल वगैरह लेना है फाइल वगैरह भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे इस टाइप से आपको रुमाल वगैरह मिल जाएंगे, एक दर्जन रुमाल यहाँ पे मिल रहे थे 60-60 रुपये में गाइस। यहाँ पे अलग अलग प्राइस थी, वैसे 60 रुपये भी थी, 50 रुपीज़ भी थी, एंड 100 रुपीज़ में भी मिल रहे थे। एंड ये काफ़ी सुंदर पाउच थी यहाँ पे जिसका जो प्राइस था ओनली जस्ट 70 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपको डायरी वगैरह भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी क्यूट क्यूट से सामान देखने को मिलेंगे, जैसे ये यूनिकॉर्न वाली डायरी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी तो वो भी आपको मिल जाएगी। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे सामान होते हैं। सो अगर आप सदर बाजार मार्केट में आ रहे हो एंड कुछ आप इस टाइप का कलेक्शन ढूंढ रहे हो ना तो ये वाली मार्केट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सुंदर सामान देखने को मिल जाएंगे, घर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, जो भी आपको लेना है टेबल वगैरह पे डेकोर वगैरह करने के लिए तो उस टाइप से सामान भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सुंदर गुल्लक वगैरह भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको ज्योमेट्री वगैरह भी मिल जाएगी। सो अगर आप अपना शॉप भी ओपन करना चाहते हो स्टेशनरी वगैरह का तो इस वाले मार्केट में एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ से आप बाई कर सकते हो, आप दर्जन के हिसाब से भी बाई कर सकते हो। मैं आपको सिंगल प्राइस यहाँ पर बता रही हूँ कि इतना इतना होता है, जैसे ये वाली ज्योमेट्री सिंगल पीस में अगर आप लेते हो तो इसका प्राइस 70 रुपीज़ बता रहे थे। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं गाइस, मैं जो किसी भी प्रोडक्ट का जो रेट है वो अपने मन से नहीं बताती, जो भैया बताते वही मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा बहुत जन करते हैं कि बहुत कम रेट बताते हैं, सबको मैं नहीं बोल रही, सब बहुत अच्छा वीडियो बनाते, सब कई बहुत अच्छे अच्छे कई लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं, प्राइजेस वगैरह भी सही बताते हैं। बट कई यूट्यूबर ऐसा करते हैं कि वो प्राइस आपको बहुत कम बताते कि इतने इतने रुपए में मिलता है, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही, आपको जो प्राइस है उसी प्राइस में बता रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है आप एक्सपेक्ट करके जाते हो कि ये सदर बाजार में तो इतने सस्ते में सामान मिलता है, तो आप प्लान घर से करके जाते हो कि हमें ये लेना है, एंड जब आप जाते हो तो पता चलता है कि उस रेट पर नहीं मिल रहा तो यू नो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं आपको जो प्राइस है एक्चुअल वही मैं बता रही हूँ कि हाँ इतने रुपये में ही मिलेगा। जैसे कि ये आप देख सकते हो मग है, ये आपको मिल जाती है 75 रुपीज़ में। एंड जब मैंने इसे बाय किया था बहुत स्टार्टिंग में, मतलब एक से डेढ़ साल पहले जब मैंने इसे बाय किया था तो ये मुझे 200 रुपीज़ में मिला था, अपने लोकल मार्केट से ही मैंने लिया था। एंड यहाँ पे सदर बाजार मैंने जब रेट इसका पूछा तो ओनली जस्ट 75 रुपीज़ में दे रहे थे। एंड यहाँ पे आपको स्टेप सिपर वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, इस सब का जो प्राइस था 170, 180, 150 उस रेंज का सब
के पास अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप थोड़ा से डिज़ाइन में लोगे तो उसका प्राइस थोड़ा सा ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से सामान देखने को मिलेगी। क्रॉकरी की तो काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती है। आप संडे को आओ या अदर डे पे आओ, तो संडे को जो शॉप वगैरह होती है वो बंद होती है, पटरी मार्केट इस टाइप से लगती है, तो आपको सिंगल सामान भी मिल जाते हैं। एंड इस टाइप से टिश्यू वगैरह यहाँ पे 20 रुपीज़ का, ये जो पूरा पैकेट मैंने दिखा है 20 रुपीज़ में ही मिल रहे थे गाइस। एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे लंच बॉक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाले लंच बॉक्स आप देख सकते हो। इसका जो प्राइस था ओनली जस्ट 120 रुपीज़ एंड MRP थी इसकी 267 या कुछ ऐसा ही था, मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस टाइप से आपको लंच बॉक्स भी देखने को मिलेगी। एंड MRP आप देख लो कि MRP कितनी है इसकी, MRP है 269 रुपीज़ एंड ये भैया दे रहे थे ओनली जस्ट 120 रुपीज़ में। एंड काफ़ी अच्छा लंच बॉक्स था एंड काफ़ी था मजबूत भी था, तो अगर आपको इस टाइप से लंच बॉक्स वगैरह बाई करनी है तो आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पे आपको मिल जाएगी। एंड बहुत ही सुंदर सुंदर लंच बॉक्स थे। एंड अगर आपका बर्थडे वगैरह आ रहा है एंड बर्थडे से रिलेटेड आपको डेकोर वगैरह के लिए जैसे कि बलून वगैरह चाहिए तो आप बाई कर सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते रेट पर यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड सामान वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड इस टाइप से आपको इनवेलप वगैरह भी देखने को मिल जाती है। एंड बहुत ही अच्छे सामान होते हैं सदर बाजार में, जैसे कि ये वाले इनवेलप आप देख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये जितने भी आपको सामान देखने को मिलेगी वो सदर बाजार क्रॉकरी मार्केट जो है उसमें आपको मिल जाती है। स्टोर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे ये पाइप वाली स्टोर दे रहे थे ओनली जस्ट 20 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में। एंड ये आपको मिल जाएगी, स्टिक थी ये, आई डोंट नो किस काम आएगा ये, तो इस टाइप से स्टिक वगैरह भी मिल जाएगी। एंड इसका जो प्राइस था 40 रुपीज़ में ये ईयरबड दे रहे थे एंड इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब सामान थे ओनली जस्ट 40 रुपीज़ में। एंड इस टाइप से आपको फॉइल वगैरह चाहिए तो फॉइल वगैरह भी मिल जाती है 150 रुपीज़ में। एंड इसमें तो बहुत ज़्यादा ही मोटा फॉइल था ये ओनली जस्ट 150 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, काफ़ी सही थी। सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।